पसंद से पानी नहीं आ रही है, जल्दी से दुआ कर दो पानी आ जाए अभी घर में। या अल्लाह पानी दे दे मेरी खाला के घर में, आज बर्थडे कैसे मनाऊंगी मैं, बर्थडे इतनी दूर से मैं आई भी हूँ। अल्लाह मुझे बताइए मैं कैसे बताऊँ बनाऊंगी गाइस बर्थडे। टैंकर वाले को दो दिन से बोला, टैंकर भी नहीं आ रहा है। सब यही खा जाएगा, सब कुछ परफेक्ट रहा आज का और बर्थडे बहुत अच्छी रही। तो आप लोग जाकर देखिए मैंने किचन में सुबह क्या क्या खुराफाती काम करे, मीनाकारियाँ करी है। और ये मेरा हाथ भी देखें आप, जल गया है। ये स्टेंडर ये काम ही नहीं करता, किसी मकसद का नहीं है। गाइस कुत्ते वो कैसे आप सब लोग, आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। और अभी वेदर जो है ना वही रिमझिम हो रहा, आज है मंडे, पहली तारीख है, आज हनु का बर्थडे है। तो अभी जो है ना 9 बज रहे हैं और किचन में काम फैला हुआ है, क्योंकि मैं कर रही थी थोड़ा मेन्यू को सेट खाने पीने को। क्योंकि होता क्या ना, जब आपके घर में कोई तकरीब होती है तो हम, अभी मैं घर में ही बना रही हूँ क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली को इनवाइट नहीं किया मैंने। आप ही भी कश्मीर गई हुई है, छोटी वाली बहन भी आके रुकी हुई है, वो बेचारी एक दिन और रुक गई। मुझे लगा कि संडे को पहली तारीख है, मुझे ऐसा था कि संडे को मतलब 1 अगस्त हो जाएगी, लेकिन आज है मंडे और मोबाइल बहुत तंग कर रहा है तो बस नहीं बना पाई। कल कोई भी ब्लॉग तैयारियों में लगे हुए थे, मतलब कि बहन आई हुई थी तो फिर जाहिर सी शुगर मिला तो लगता है ना घर में बच्चों का भी। तो किचन में क्या बन रहा है मेन्यू, बर्थडे का क्या सेटिंग है। तो वैसे मेरी कोशिश ये होती है स्पेशली कि बच्चे और जो बड़े होते हैं ना उनके लिए ना ख़ास ख्याल रखा जाए घर की तकरीब के मेन्यू में खाने पीने का, कि बच्चे क्या खाते हैं और हमारे बड़े जो होते हैं बूढ़े वो क्या खाते हैं। बड़े बूढ़ों में से भी हमारी अम्मा अब्बा हैं, बाकी सब दूर दूर रहते हैं तो बस अम्मी अब्बू हैं। तो मतलब उनकी पसंद को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए कि अगर वो खुश हो जाएंगे तो समझो हमारी जो पार्टी में ख़र्चा हुआ है ना वो वसूल हो जाता है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ा दें मेरे, जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएं भाई। तो आप लोग जाकर देखिए मैंने किचन में सुबह क्या क्या खुराफाती काम करें, मीनाकारियाँ करी हैं। मेन्यू भी देखें जाके, हाफ हाफ मेन्यू मैंने डन कर दिया है, 3-4 डिशेज़ बन रही हैं। आप लोग जाकर देखो किचन में क्या हो रहा है और रेसिपी को भी देखना, पूरा देखना, स्किप मत करना आप लोग, ठीक है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज का मेन्यू शेयर करने जा रहे हैं, आज बनेंगे कच्चे कीमे के कबाब, साथ ये 2 kg मैंने जो है मटन बिरयानी का मसाला लगा के रख दिया था, साथ ये बारबेक्यू की बोटियाँ बनेंगी, ये भी 2 kg है, साथ ये मटन शनवारी कढ़ाई बनेगी, साथ बनेगा मज़े का मैंगो मीठा रेडी होगा। तो मैं आज शेयर करने वाली हूँ आपसे ये कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी को, सिंपल सी रेसिपी के साथ। इसमें ना वाइट चने डालेंगे, ना बेसन, ना कॉर्नफ्लावर, ना अंडे, ना डबल रोटी के स्लाइस, सिंपल जो कुर्बानी के गोश्त के साथ हम बनाते हैं। बोटियाँ बना के इस चॉपर में, मतलब बोटियों को खुश करके भी मैंने इसका कीमा बना लिया था। फिर 1 घंटी मैंने प्याज लिए, 2 किलो कीमे में 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन लिए हैं और जनाब जा रहा है इसमें हरा मसाला और जाएंगे साथ में इसके कुछ स्पाइसेस। सिंपल में इसमें डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 चम्मच और कुटा भुना धनिया ज़ीरा, भुना हुआ धनिया और ज़ीरा जाएगा तकरीबन 2 चम्मच भर के, और जायफल जावित्री का ही जाएगा हाफ से भी 1/2 टीस्पून, ठीक है जी, हो गया। और जाएगी इसमें पिसी हुई ब्लैक पेपर। तो गाइस ये कंप्लीट हो गई हमारी रेसिपी, बस हम इसको अब टिकियां बनाएंगे, और सॉरी टिकियां नहीं, इसको हम दोबारा चॉपर करेंगे। तो गाइस इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे, 1 छोटी चम्मच ऑयल की बस, अभी हम इसकी टिकियां बना लेंगे। तो गाइस मिलते हैं आपसे बर्थडे पार्टी में, और बर्थडे पार्टी में मिलते हैं आप, टाइम जाया बगैर ब्लॉग को देखते रहिएगा, ब्लॉग से जुड़े रहिएगा, एंड तक देखिएगा। गेस्ट से भी हम आपको मिलवाएंगे आज, देखिए कैमरा कितना हिला रहा है, कितना बहुत ज़्यादा हिला रहा है। यहाँ से शाम 4 बज रहे हैं, फाइनली टैंकर आ चुका है हमारा, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। आप लोग भी इसको देख के माशाल्लाह बोल दीजिएगा, वरना तो हमारे मुन्ने को नजरियाँ मजरियाँ लग जाएंगी। अल्लाह कसम से पानी नहीं आ रही है, जल्दी से दुआ कर दो पानी आ जाए अभी घर में। या अल्लाह पानी दे दे मेरी खाला के घर में,
बर्थडे है आज, बर्थडे कैसे मनाऊंगी मैं बर्थडे, इतनी दूर से मैं आई भी हूँ। अल्लाह मुझे बताइए मैं कैसे बताऊँ बनाऊंगी गाइस बर्थडे। गाइस इनका पानी ही नहीं आ रहा है, टैंकर वाले को दो दिन से बोला टैंकर भी नहीं आ रहा है, कैसे बनेगा मेरे लिए खाना, क्या क्या करूँगी मैं आज। अभी तक मैं नहाई धोई भी नहीं हूँ, फ्रेश भी नहीं हुई, ना मेरा पैम्पर चेंज हुआ है, ना मुझे फीडर मिला है, क्या सूरत हाल रहेगी यहाँ पे। बहरहाल मेरी सूरत हाल बड़ी ख़राब होने वाली है अगर मेरी पॉटी नहीं धुली, अपना पैम्पर अगर चेंज नहीं हुआ तो। अल्लाह पाक इनके घर में जल्दी से पानी दे दे भाई, आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लिप में। तो लगे पड़े अपना, मैं खुद पानी निकाल लेता हूँ। गर्मा गर्म बिरयानी और ये है वो कबाब की रेसिपी जो कमेंट्स में मुझे आ रही थी कि आप रेसिपी आप लोगों ने शेयर नहीं की, तो मैंने शेयर कर दी। टेंशन हो गई आज पानी नहीं आता, आप देखिए अपने ब्लॉग में किस तरह से हमारा पानी आया, किस तरह से हमने सबसे ज्यादा तो मैंने सफर किया है, सबसे ज्यादा तो मैंने। और आप भी प्लीज कॉल उठा लो, उठा लो देख रही हो तो मेरा हमारी कॉल उठा लो या फिर कॉल पे बात कर लो। मेरे बेटे के तो बना दो भाई, मेरे नहीं बना दो तो वो भी लाओ, मैं चाहती हूँ। तो गाइस ये हमारी बर्थडे का केक आप लोगों के लिए, तो डालो ना मुंह में। मैं खा लूं तो मुझे तो खाने में जगह नहीं, पाने में काम भी लग रहा है, बच्चों को साथ ये वो ये अभी तुम्हारे लिए कर देते सब यही खा जाएगा सब। काट के तरीके से दे दो। सो आज जो है फाइनली बर्थडे हो गई है हानी। अच्छा तो इन्होंने जो है वो बिरयानी जो है ना वो कबाब भी बना लिए जो कब से फरमाइश आ रही थी आप लोगों की, फाइनली और मैंने बनाई है। देखा क्या बच्चे कैसे तंग कर रहे हैं बिजी है लोग, मतलब अभी मान को दिखाओ मान। बहुत सारी गड़बड़ के बाद जो है हमारी सारी चीजें फाइनली सब कुछ परफेक्ट रहा आज का, और बर्थडे बहुत अच्छी रहा। सही है अमृत श्रिंक हो जाते हैं कबाब। हाँ श्रिंक हो जाते हैं, तेल चूल्हा था कटोरा बस टेबल लगाते हैं जल्दी। बहुत प्यारा सजाया, बहुत अच्छा था। तो गाइस अभी ना मैं व्लॉग का एंड करने आई हूँ, यहाँ पर मुँह धो लिया हमने, वो दोबारा मेकअप ट्राई करी, मैंने कहा भैया तुम ट्राई करो, 4:30 का टाइम हो रहा है, हम तो अपने किचन में थक गए, मेकअप ट्राई करो। मेकअप वाकई भूल गई मैं करना भाई, शादी से पहले तो बंदा कर लेता है लेकिन कुछ अरसे के लिए थोड़ा भूल जाता है जब तक बच्चे छोटे होते हैं, फिर किचन होता है और घर होता है। तो मैं तो ये भी लेकर आई हूँ मॉइस्चराइजिंग बेबी जॉनसन क्रीम, अच्छी होती है डेली लगाएं आप लोग। और ये मेरा हाथ भी देखें आप, जल गया है ये, कल जला है पराठों का तेल ही उड़ गया था। और ये इनकी आनी जो है गिफ्ट लेकर आई हैं,
बाकी जो है जो उनके बाबा ने उनको गिफ्ट दिया है वो हानू कल आप लोगों को खुद दिखाएंगे, मुझसे प्रॉमिस करके सोई थी कि अम्मी वो गिफ्ट जो है ना मैं खुद दिखाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है यार देखते हैं इसका कहाँ तक पहुँचा है ये पागल लड़की का मेकअप। असल में बच्चे सो जाते हैं ना तो फिर हमें अपने टाइम मिल जाता है, तो फिर हम थोड़ा सा कहते हैं चलो थोड़ा सा जाग लेते हैं। अच्छा लग रहा है, एक साइड पे हमने चेक कर रहे हैं ना तो रात में भी लुक तो जाओ मैं कौन सी अच्छी लग रही हूँ, देखो मेरे बाल तो खुद से ख़राब हो रहे हैं। ये देखें गाइस साढ़े चार बजे थे और यहाँ मेकअप टेस्टिंग हो रही है, सर्च कर रहे हैं मेकअप ये कौन सा मेकअप लेना चाहिए एज अ छोटे बच्चों की मदर्स के जल्दी जल्दी तैयार हो जाएं कि अच्छे भी लगें। लेकिन समटाइम क्या होता है हम कार्टून बन जाते हैं, हम इतने पसीने आ रहे होते हैं स्पेशली मेरे साथ। सही आलिया वाला मेकअप, आलिया ट्राई मार रही है नॉट बैड, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस शादी से पहले काफ़ी एक्सपीरियंस है मेकअप के बारे में, अभी तो बिल्कुल सारे ज़ीरो एक्सपीरियंस हो गए। अभी मैं पूरा लुक दिखाती हूँ इसके आधे साइड का, इसके बनी क्या है ये स्ट्रेटनर, ये काम ही नहीं करता किसी मकसद का नहीं है। बस अभी जल्दी जल्दी ये देखें इसका मेकअप इसने कितना अच्छा करा, और यही मेकअप मेरा ही मेकअप इसने करा है, कितने तरीके से ट्रिक्स है और मेरे से इस तरह से नहीं होता। लेकिन माशाल्लाह देखो आधा साइड और आधा साइड कितना जबरदस्त लग रहा है। अब वाला दिखाओ। तो गाइस अब कुत्ते भौंक रहे हैं, बस लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।